स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आज श्री रामलीला मंच पर हम आए हुए हैं और आज एक परिचय, एक वार्तालाप, एक बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन इंसान, एक समाजसेवी, राजनीतिज्ञ वीरेंद्र गर्ग जी से, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो दूरी हैं इस रामलीला क्लब की। रामलीला का आयोजन तो क्या, और भी कई सामाजिक धार्मिक आयोजन इनके बिना अधूरे रहते हैं। तो देख सकते हैं आज अपने आप ही मेकअप पे लगे हुए, बहुत सी भूमिकाएं का निर्वाह वो कर चुके हैं। हमने भी कई कलाकारों की वीडियो डाली तो बहुत से लोग आज बाजार से मिले कि भाई वीरेंद्र गर्ग जी से आप कब बातचीत कराएंगे, तो मैंने कहा आज समय निकाल कर उनसे मिलते हैं। वीरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। समय तो वैसे नहीं आपके पास इस टाइम, बहुत नज़दीक है आज की भूमिका आपके नज़दीक है, तो एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं चैनल पे। धन्यवाद शर्मा जी। जी जी, और आपके चैनल का न्यूज 71 का मैं धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। तो क्या आपने हमें बार बार हमारे क्लब के बच्चों को मौका दिया जी, कि जी, लोग जी, उनके बारे में जाने जी, तो आपका एक अच्छा प्रयास, सराहनीय प्रयास और हमारे लिए बहुत ही सहायक जी। तो एक वर्ष और जुड़ गया जी आपकी एक लंबी अनुभवी यात्रा में, एक वर्ष का और जुड़ गया। पहले मेरा 57 साल पूरे किए हैं, 58 साल लग गए हैं। वाह जी वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामलीला जी में एक वर्ष और जुड़ गया है जी जी जी, जो लगभग मेरा 8-9 वर्ष की आयु से सफर था जी। तो लगभग 50 साल का सफर हम कह सकते हैं, 50 साल। तो क्या कुछ कहेंगे? बस प्रभु कृपा कहूंगा, इससे ऊपर कुछ नहीं कह सकता जी 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 जी, क्योंकि प्रभु कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता जी जी। उनके बिना तो आदमी श्वास नहीं ले सकता, इतना बड़ा काम तो कैसे हो सकता जी। बिल्कुल बिल्कुल, 50 साल की एक यात्रा बहुत लंबी। मैंने सढ़ोरा की रामलीला की जो दिग्गज थे उनसे लेके और नई पीढ़ी तक, बिल्कुल मैं बीच की दूरी में आ गया हूँ। हमारे डायरेक्टर मंगतराम जी, गिरसैनी जी और मंगतराम जी, हम तीन लोग ऐसे हैं जो ने पहली पीढ़ी से लेके और आज के नए बच्चों तक जो बीच की दूरी बन के काम किया है, तो हमें सौभाग्य मिला है। बिल्कुल, कई दशकों से लगे हुए हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत उतार चढ़ाव देखे इस दौरान। हाँ, उतार चढ़ाव बहुत देखे जी। एक समय दिग्गज कलाकारों से भरी क्लब थी जी, और वो सभी अपनी अपनी कला के मास्टर थे। आज हम लोग तो सही मायने में अपने आप को गूंगा कहते हैं, जिसे सही गाना ना आए वो गूंगा कलाकार कहलाता है। उन लोगों को गाना भी गाना आता था जी। और गाना के जो इंस्ट्रूमेंट थे, चाहे वो हारमोनियम थी, तबला था, ढोलक थी, वो बजानी भी बहुत सुंदर आती थी। मेरे गुरु जी पंडित हरिकृष्ण जी वो बहुत अच्छे भजंतरी थे, गायक तो थे ही थे। और ऐसे ही हमारे पंडित बद्री प्रसाद जी, उसकी परंपरा में आगे फिर इंद्र सेन जी आए, हमारे गरीब सिंह जी, खुल्लर जी, तो ये सभी लोग जो हैं अपने अपने काम के माहिर थे। उनको देख के उन जैसा बनने की कोशिश की, बन तो नहीं पाए, पर जितना भी प्रयास हुआ, और उनके साथ ही लड़ाई लड़के, लड़ाई इसमें कि भी वो इतने दिग्गज थे, उनका रोल कब मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आज लगभग सभी कलाकारों के आदर्श रोल मॉडल तो वीरेंद्र गर्ग जी हैं। नहीं, ये तो आपकी और प्रभु की कृपा है जी, कि सभी हमें अपना रोल मॉडल कहने लगे हैं। हम तो दास हैं प्रभु राम के भी और इन बच्चों के भी, क्योंकि इनके माध्यम से अब जितने बच्चे आते हैं खुश तो होते हैं कि भी हमारी संस्कृति इनकी वजह से बची रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर 50 बच्चे आ रहे हैं, 10-15 जुड़े रहेंगे, यहाँ बच्चे आकर अच्छे अच्छे पौधों पर पहुँचे हैं, फौरन पहुँच गए हैं, लगन इतनी है कि बच्चे वहाँ से आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशल आ रहे हैं। एक बार आने पे बच्चे के 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये लग जाते हैं और वो रामलीला में काम करने के लिए कलाकार स्टेज के ऊपर बिना स्वार्थ, बिना कोई पैसा लेते नहीं, दे ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। तो 5 दशकों से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ बदलाव नज़र आया? बदलाव, टेक्नोलॉजी बदलती चली गई, लोगों की श्रद्धा बदलती चली गई, क्योंकि एक वो समय था कोई साधन भी नहीं था लोगों के पास मनोरंजन का, तो रामलीला जी से दो ही काम होते थे, लोगों को धर्म की प्राप्ति भी होती थी और मनोरंजन भी हो जाता था। वो समय था कि रामलीला हम 9 बजे शुरू करते, 9:30 बजे, 4 बजे तक रामलीला। बिल्कुल, 2:30 मैंने जब पहली रामलीला मैंने देखी है, मैं आपको एक सीन बताऊं कि लक्ष्मण जी लेटे हैं, हनुमान जी बूटी लेने गए हैं और राम जी कह रहे हैं कि वो देखो लगता है कि सूरज की लाली आकाश में उगने लगी, और 4 बजे का समय। और तब हनुमान जी हमारे उस टाइम खैतीलाल बांगा जी बनते थे और वो बस स्टैंड के पास नगर पालिका के सामने रामलीला होती थी, और उधर से वो हमारा चौक है, वहाँ से समझो रास्ता बनता था, इतनी दूर तक पब्लिक बैठती थी, उन्होंने वहाँ से आना शुरू किया। मेरे वो दृश्य भूल नहीं सकता, लोग जमे हुए थे। हाँ, और बीच में ऐसा भी है कि लोगों की कमी भी पड़ती चली गई, उसके लिए बहुत प्रयास किए, फिर सोचा कि भाई अब ये पुराने जमाने का वो समय था कि 90 मेरे को अपनी होश में ये है
कि हमने 350 रुपए में रामलीला की। क्या बात, 350 की रामलीला और आज 6 लाख रुपए की रामलीला, आज 350 में तो एक किट नहीं आती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एक बच्चे की ड्रेस नहीं आती। कितना लोगों ने प्रयास किया होगा, कभी 10-10 पैसे, 25-25 पैसे, 1-1 रुपया इकट्ठा करके रामलीला। तो बदलते समय के साथ फिर अपना आपको भी बदला, फिर वो बदला हमें हमारे पास बाहर से बदलाव अपनी आंखों के सामने देखा है सारा, फिर वो सारा मेकअप में बदलाव लाया। पहले हम एक 5 रुपए का मुर्दा संग लाते थे और लाल शाही किटियाँ लाते थे, और आपको बताया आपने तो लिखी है तख्ती, तो वो काले रंग की एक बढ़िया तो पुड़ी आती थी 25 पैसे की राज रोशनाई, और नहीं तो 5 पैसे की आती थी। अच्छा कलाकार बड़ा कलाकार वो 25 पैसे वाली पुड़िया रगड़ता था, हमारे जैसे वो 5 पैसे वाली रगड़ते थे। और अब बच्चों के लिए हम 10-10, 20-20 हज़ार का मेकअप लगाते हैं, क्योंकि ये सीखा है, अब TV पे देख रहे हैं लोग हमें, तो उसको देख के फिर लोगों की, पिछले साल कुछ आपने भी देखा होगा पब्लिक कम थी, उससे पहले आ रही थी, पर इस साल पब्लिक बहुत है, हमारा हौसला और बड़ा है। इस बार तो हमने सेट भी नए लिए हैं, अपने ही बनवा दिए हैं, स्टेज प्रभु कृपा से ऊपर से भी शेड डल गया है, जैसे कैसे डली गया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये प्रयास है अच्छी रामलीला हो जाए, शहर का नाम होता है जी। बिल्कुल, आज कहीं जाओ तो लोग कहते हैं भी अच्छी रामलीला। वीरेंद्र जी, डिजिटल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया है, हर चीज़ आपके अपने मोबाइल पर उपलब्ध है, और ऐसे में फिर रामलीला कहाँ तक ठहरती है लोगों की? रामलीला तो ठहरेगी जब तक श्रद्धा है और धर्म है, तो रामलीला तो ठहरेगी, क्योंकि रामलीला में जो है जीवन के मूल्य प्रदान करती है। जी जी जी, हमारे जितने भी आदर्श हुए हैं उसमें दो बातें मैं आपसे, शायद मैंने पहले भी कही है, कि प्रभु राम एक मानव को अपना मानव जीवन जीने का आदर्श देते हैं, भगवान कृष्ण मानव को क्या करना चाहिए बताते हैं। जी जी जी, और उसमें दो बातें मेन हो गई हैं कि आदमी कैसे जिए, तो प्रभु राम ने जो किया मानव को वो करना चाहिए जीवन में। जी जी, भगवान कृष्ण ने जो कहा, जी जो कहा व्यक्ति को वो करना चाहिए, भगवान कृष्ण ने जो किया वो नहीं, उन्होंने जो कहा वो हमें करना चाहिए। राम जी का जीवन चरित्र हमारे लिए आदर्श है, वो हमें जीना चाहिए, क्योंकि रामायण आज टूटते हुए मूल्य, परिवार टूट रहे हैं, माँ बाप अलग हैं, बच्चे अलग हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र राज तिलक हो रहा है, माँ ने आगे दे दी बेटा चला जा वनवास पे, और हंसते हंसते छोड़ के चले गए, आज 100 रुपये में 2 इंच जगह के पीछे 2 भाई कोर्ट में चले जाते हैं। और दूसरा भाई उसके बड़ा उदाहरण है, जिसे राज मिल गया वो भी भाई की तरह पड़ा, भी भाई नहीं है तो मैं तो राज चलाता नहीं। एक भाई दूसरे भाई की सेवा कर रहा है, दूसरा वहाँ सेवा कर रहा है, दोनों जंगल में पड़े हैं और राज खड़ा है, आज एक कमरे के लिए लड़ पड़ते हैं। कहीं ना कहीं जनमानस पर प्रभाव तो पड़ता ही है, लोगों के मन में होती तो है, मैंने फील किया है, लोग सोचते तो हैं कि भी ऐसा हो जाए। हाँ, कलयुग का प्रभाव है, माया है, लोग उलझ तो जाते हैं। तो जैसे पिछले कलाकारों को आपने जगह समर्पित कलाकार था, तो ऐसे वर्तमान समय में आधुनिक जो बच्चे हैं हमारे, हाँ बहुत समर्पित बच्चे हैं, ऐसा नहीं, हाँ बच्चे बहुत समर्पित हैं, ये है कि भी हम उनके सामने नहीं कहते कई बार, क्योंकि फिर बच्चा ये सोच लेता है यार मैं तो भूल गया। तो हमारे पास राजेश जी हैं, प्रवीण हमारा है, आप देखो रोड की ड्यूटी करने दिल्ली जाता है, बिल्कुल दिल्ली से आता है, हमारा कुणाल मेकअप कर रहा है, क्या देते हैं हम, आज उसकी दुकान पे जाओ एक बुकिंग के 20,000 रुपये लेता है, और यहाँ वो बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों को मेकअप कर रहा है, दिन में 20-30 मेकअप करता है, अगर किसी को पैसे देने लग जाए तो बस एक दिन में पैसे लग जाएंगे सारे। हमारे कालू जी हैं, क्योंकि सभी बेचारे कोई बहुत बड़े वो IAS ऑफिसर तो है नहीं, हैंड टू माउथ है, कोई अपनी नौकरी कर रहा है, काले आम जा रहा है, मालिक से समझौता करके आ रहा है, तो ऐसे संजय है, हमारे राकेश जी हैं जो हनुमान का रोल कर रहे हैं, रुथी जी हैं दुकान पे, उनकी रात्रि को काम होता है, फिर बेचारे इन दिनों में बड़ा समझौता करके आते हैं, हमारा बेटा है तो लग रहा है देख के बेचारा, तो सभी कर रहे हैं। और हमारे डायरेक्टर साहब, उम्र इतनी हो रही है, सारी रात उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, अगर 30 व्यक्ति रात में रामलीला में बोल रहे हैं तो डायरेक्टर अकेला उनके लिए बोल रहा है, वो 30 के बराबर है। हमारे मंगत राम जी हैं, दिन में हमारे लिए पैसे मांग रहे हैं और रात्रि को आके रोल भी कर रहे हैं, हमारी स्टेज भी संभाल रहे हैं, और ऐसे हमारी सभा है। अब तो हमने, क्योंकि बीच में एक लंबा गैप रहा, 2 सभाएं अलग अलग हो गई, रामलीला नहीं हो पाई, कुछ हो गया, वो मिलके एक प्रयास किया और सफल प्रयास है। हमारे गगन जी हैं, सुधीर जी हैं, सचिन जी है, जयपाल जी हैं, और सनातन सभा के और मेंबर हैं जो दुकानों पे बेचारे बैठे हैं, क्योंकि त्यौहार का सीजन होता है, भी बड़ी मजबूरी है। और ऐसे हमारी शिव शक्ति राम क्लब के मेंबर हैं, हमारे लवली जी हैं,
बबली हैं, राजू है, दुकान छोड़ के आ जाते हैं बेचारे, सारी रात बैठते हैं। और ऐसे ही आप लोग हैं, हमारे नरेश जी हैं, आप हैं शर्मा जी, आप लोग चलो अब तो कैमरा लिया हुआ है, रात्रि को हमारी सहायता करने के लिए भी आ जाते हैं, किसी दिन माइक पकड़ना भी पड़ता है, कोई आगे बोलने वाला नहीं होता, और हमारे लिए गेस्ट भी ढूंढ के लाते हो जो हमें 2 रुपये दें जिससे क्लब चले जी जी, क्योंकि राशि तो बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए बात चलिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? उस लोगों से तो मैं यही कहता हूँ कि भी अपने धर्म पे अड़िग रहें और जुड़े रहें, एक रहें, नेक रहें, बिल्कुल बहुत बटे नहीं, और अपने धर्म को, अपने त्योहार को जीवित रखें। इतने पैसे कमा के लगाते हैं हम, क्यों नहीं करते कि अपने धर्म को खूब जोर शोर से मनाएं। अगर कोई आयोजन हो रहा है उस पर पूरे परिवार सहित जाएं, मंदिर में जाएं पूजा के लिए, सुबह आरती में जाएं, शाम आरती में जाएं, हनुमान मंदिर है चालीसा के लिए जाएं, बिल्कुल सही, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है वीरवार को जाएं, क्योंकि मेरे धर्म में कट्टरता नहीं है, बिल्कुल छूट है आपको, आप खाली हाथ चले जाएं, नहीं लड्डू है तो खाली हाथ चले जाओ भाई, फूल ले जाओ, कोई अर्थ नहीं है, हम पंडित को देने के लिए हाथ जोड़ लो। तो इतनी सुविधा मिलने के बावजूद भी यदि हम अपने काम में मुलझे रहेंगे, यकीनन एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, जायज बात। उस पछताने से अपने आने वाली संतानों को, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो जुड़े रहें। बहुत बड़ी, योगी जी के शब्दों में, बटोगे तो कटोगे। बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया संदेश वीरेन जी आपने दिया। हमारा किसी धर्म से बैर भाव नहीं है, सब अपने अपने में जी रहे हैं, अपना बढ़िया कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। बहुत बड़ी बात, हमारे त्योहार केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, ये ध्यान रखें सभी लोग। बिल्कुल, समाज को, सनातन धर्म के जितने त्यौहार हैं वो सनातन धर्म को व्यापारी की मजबूती भी देते हैं। बिल्कुल देते हैं, ठीक बात। जितना व्यापार दिवाली पे हो जाता है साल भर में नहीं होता, नहीं होता, ठीक बात। जितना व्यापार होली पे हो जाता है साल भर में नहीं होता, ये 20 दिन आते हैं, सारे साल का लेखा जोखा पूरा कर देते हैं लोग। अगर ये त्यौहार नहीं मनाएंगे, लोगों की बातों में जाएंगे, कोई कहेगा लाइट जला दी, फूक दी, आपको क्या लेना हमारा पैसा, हमारा व्यापारी भाई, हाँ पटाखे लगा जला दिए, हाँ हम ये कहते हैं कुरूतियों से बचो, बचो भाई, उसमें कुरूति आ रही है, आप नशे से बचो। बिल्कुल बिल्कुल, चरित्र को ऊंचा रखो, समाज में मेल जोल बढ़ाओ। आप ऐसे आयोजन करो कि अगर आपका कोई साथी, अपना कोई समाज का भाई पीछे छूट रहा है, उसे आगे लेके आओ, उसे अपने बराबर में खड़ा करो, उसे हेल्प की जरूरत है, प्रयास करो संस्था के द्वारा। सनातन यही सिखाता है, सनातन तो यही है। बहुत बढ़िया बात, वसुदेव कुटुंबकम एक ही है। चलिए बहुत बढ़िया संदेश भी आपने दिया। तो रामलीला के मंच के ऊपर ही बात करें, इस बार कितने किरदारों को आपके द्वारा निभाया गया है? हाँ, इस बार तो कुछ ज़्यादा हो गए हैं, पिछली बार तो नहीं, क्योंकि अब की बार कुछ नए सोचे हुए किरदार थे, जिसमें विशेषता, क्योंकि खेवट का मैं करता हूँ, बड़े उससे करता हूँ, बड़ा आनंद देता है, फेवरेट आपका हो, और अब की बार मैंने शबरी किया, जो सामाजिक समरसता के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि हमारे समाज की रामायण को उठा के बहुत से लोगों ने अपने मर्जी से मनगढ़ंत बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, कि उसमें नारी के प्रति कहा गया, उसमें ऊंच नीच कहा गया, रामायण तो पल पल समरसता बताती है, वो बताती है कि गुरुकुल में हर वर्ण के बच्चे पढ़ रहे थे और वो आपस में मित्र थे। तो मैंने शबरी का किरदार किया, उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा मुझे बाहर से मिली। बिल्कुल, बहुत बढ़िया रोल था। हमारे एक मित्र ने डाला, गणेश जोशी जी ने, उत्तराखंड से तक से प्रशंसा आई है। तो किरदार तो मैंने नंदी से शुरू किया, पहले दिन नंदी कर दिया, और फिर लगातार एक चेन बनती चली गई, क्योंकि मैं करता ही चला। और ये चेन चल मेरी, आज अंतिम दिन है एक प्रकार से, रावण वध है, तो आज क्या भूमिका? आज मैं कुंभकर्ण का रोल कर रहा हूँ। वाह भाई वाह, ये कमी रह गई थी मतलब। हाँ, ये देख रहा हूँ को बच्चा, क्योंकि मेरे मित्र करते थे प्रदीप, वो मेरी बाजी टूट गई उनके जाने से, बहुत अफसोस, तो उनको याद करते हैं। हाँ नहीं, बड़ा अफसोस रहा, कमल था, प्रदीप है, वर्मा जी है, बस आज नहीं है, आंखें भर आती हैं। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ आपका, तो बहुत दाएं बाएं हाथ, पूरा परिवार आपका था वो, एक तो जो काम आज हम पैसे से कराते हैं, उनके होते पैसे से शरीर से किया उन लोगों ने, प्रभु उनकी आत्मा को बिल्कुल शांति दे। तो बहुत पड़ाव आपने देखे, उतार चढ़ाव देखे, बदहाली वाला सिस्टम भी देखा, और आज बड़ा देखा,
संपन्नता मैंने भी है। ताड़का करो आज ताड़का के लिए मैं ड्रेस ले आता हूँ, मेरे को देर नहीं लगती, मैं ताड़का बना ड्रेस के लिए, काला पजामा मिला, एक काला कुर्ता मिला, हमारे शिवराम जी डल्ला करते थे ट्रैक्टर का भाई ताड़का, तो मैंने पराली पड़ी थी, वो पराली हाथों पे बांध दी और सिर पे पराली बांध के बिल्कुल एक पसंद वो भी किया लोगों ने, क्योंकि हमें परमात्मा ने तुरंत एक ऐसा कृपा मेरे ऊपर की है प्रभु ने, जब भी कोई काम फंस जाता है ना वो मुझे ऐसी बुद्धि देते हैं कि मैं उसे कैसे भी बस मैनेज कर देते हैं, करते वही है, माध्यम बना लेते हैं मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चल रही है, सहयोग से चलेगी, बच्चों को सौंप रहे हैं भी आप करें भाई। तो अच्छे खासे मुकाम को आपने पाया, तो अगला क्या पड़ाव, अब किसके बारे में सोचते हैं भाई ये चीज भी हासिल हो जाए? हासिल तो सभी कुछ कर लिया अस्पताल जी, बस अब तो ये है कि ये भव्यता बढ़ी, लोग जागृत हों और लोग आए। बहुत बढ़िया, शहर में इतने आयोजन हो रहे हैं, साथ में एक अपील है इस माध्यम से कि शहर में कुछ आयोजन ये नहीं कि नहीं होने चाहिए, उनके प्रति जो कुछ आयोजन अलग अलग ग्रुपों में करने लगे हैं, एक ही आयोजन, एक ही आयोजन, ठीक। वो लोग भी, हमने प्रयास किया दो रामलीला से एक रामलीला पे आए, नहीं गणेश उत्सव भी इसके बारे में एक ही हुआ, तो वो पाँच पाँच सात सात करेंगे, क्योंकि शहर छोटा है, वैसा शहर के लोगों का है, लग जाता है, ठीक है बात। वो बेचारे हमें निराश नहीं करते, फिर वो जिसे हजार देना है वो बेचारा 200-200 करके देता है पांच जगह, ठीक है बात। तो मेरी तो अपील है सभी से, भव्य तरीके से करें, कोई भी आयोजन करें, शाम जागरण करें भव्य करें, कोई दिक्कत नहीं है, किसी और संध्या करनी है भव्य, पर ये कोशिश करें वो एक हो जाए, एक हो जाए, एक ही चीज को हफ्ता 10 दिन बाद कर रहे हैं दोबारा, और समय की सेटिंग कर लें, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में ये सारे आयोजन आ जाते हैं और प्रचार वालों को बहुत दिक्कत होती है, बिल्कुल बेचारे वैसे तो नहीं कह पाते, पर पर्सनली कहते हैं यार एक ही टाइम में हो गया, तो वो भी आए थे, वो भी आए थे, प्रार्थना है मेरी सभी से बढ़िया करें, बढ़िया करें, सेटिंग से करें। चलिए, आप बहुत व्यस्त, उसमें से भी आपने लगभग 18 मिनट का समय हमारे साथ लगा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे वीरेन जी, हमारे बेबाक अपनी बात और दिल से निकली बात, आंखों से आंसू बता रहे हैं, सब कुछ हाव भाव बता रहे हैं, जो कलाकारी दिखाते हैं वही बातचीत में भी आपने देख लिया, तो दिल नेक दिल इंसान और सनातन धर्म के प्रति कैसी सोच रखते हैं ये आपने व्यक्त किया। जरूर इस प्रकार के आयोजनों में हम सबको सहयोग करना चाहिए, और जो कुछ जैसी अपील इनके द्वारा की गई है उस अपील पर भी जरूर उस कुछ ना कुछ पालन करना चाहिए, तभी इनका हेतु सफल रहता। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी, आपने समय निकाला, आपने बहुत बहुत समय दिया, मैं हमारी बात सुनी और समाज तक पहुँचाएंगे, जी जी जी, उम्मीद है लोग भी इस बात को समझेंगे। चलिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई भी सुझाव वीरेन जी के नाम आप देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर, मेरे लिए तो बिल्कुल, हमारी रामलीला की बढ़ोतरी के लिए कोई सुझाव, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं लोगों से एक क्षमा चाहता हूँ जरूर, मैं अस्पताल जी द्वारा शुरू करने के लिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें लोग कई बार पूछ लेते हैं यार आप जो है रामलीला में डांसर लाते हो, मैं लोगों को एक बात कहता हूँ हाथ जोड़ के कि हमारी मजबूरी, मजबूरी है, ठीक है, हमें दो चीजों के लिए, एक तो हमें समय कई बार सेट बदलना है उसके लिए चाहिए, और जब हम किसी राक्षस को दिखा रहे हैं तो स्टेज पे ही दिखाते हैं, उसके हाथ में कोई शराब तो देते नहीं पर दिखाते हैं वो पी रहा है कुछ कोल्ड ड्रिंक लेके बैठा है, दिखाते नहीं दिखाते हैं, चपकोड़े खा लिए उसने, तो ऐसे ही ये है कि उन लोगों का आचरण ठीक नहीं था, तो वो दिखाने के लिए उसमें हमने काफी बंदिशे लगाते हैं, ड्रेस आप ऐसी नहीं डालोगे, तो थोड़ी सी बारे में क्षमा प्रार्थी जरूर है ना, ठीक है बात, आज के जरूरी भी है, मनोरंजन भी है लोगों का, और उस समय उस सीन की वो शायद मांग भी रहती है, आगे स्टेज खाली रह जाएगी, पीछे सेट लगेगा नहीं, बिल्कुल। चलिए धन्यवाद, तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन, धन्यवाद, जय श्री राम।